हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग Xiaomi Mi 8 एंड्रॉयड 1 का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये फ़ोन मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसके कुछ बेसिक फीचर्स और बाकी इसके डिटेल्स, यूज़ रिव्यू आज हम लोग इसके बारे में बताएंगे और अनबॉक्सिंग भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Xiaomi Mi 8 में आपको फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल प्लस AI पावर्ड ब्यूटीफाई मिलेगा। पीछे के सेटअप कैमरा दो है, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का AI ड्यूअल कैमरा मिलेगा, जो कि 1.25 एपचर के साथ मिलता है। कॉलकम स्नैपड्रैगन 660 मिलता है। इस फोन में आपको 3010 mAh की बैटरी मिलती है। साथ में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें हेडफोन जैक नहीं है, आपको सी टाइप के साथ ही आपको हेडफोन जॉइन करने के लिए आपको एडाप्टर मिलता है। साथ में आपका इसमें 5.99 mm की स्क्रीन मिलती है। अनबॉक्सिंग करते हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको लेबल मिल जाएगा Mi 8 एंड्रॉइड 1 इंडिया वर्जन। उसके साथ इस साइड में भी मिलेगा आपको। इसके साथ पीछे इसके कुछ बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। ये ब्लैक कलर है, 4GB 64GB वेरिएंट। आइए इसको शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक यूजर गाइड्स मिल जाएंगी इसमें। साथ में इसमें सिम इंजेक्टेड पिन और साथ में हेडफोन जैक को कनेक्ट करने के लिए आपको एक वो मिल जाएगा। ये यूजर गाइड है, 2 यूजर गाइड्स हैं कैसे आप इसको फोन को यूज कर सकते हैं, हाउ टू ऑपरेट। आइए इसको साइड में रखते हैं, सीधा फोन पे चलते हैं। फोन पे आते ही आप देख सकते हैं कि ये है आपका Mi 8, जो कि मैं 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। आइए इसको आसपास सारी जगह से दिखा देते हैं आपको। ये इसका ड्यूअल कैमरा सेटअप है, ये 12 और ये 20, और ड्यूअल LED फ्लैश है। यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोलर मिल जाएगा TV रिमोट्स को कंट्रोल करने के लिए। फ्रंट में आपको एक कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट मेगापिक्सल कैमरा जो कि 20 मेगापिक्सल। एक स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे एक आपको LED फ्लैश मिल जाएगी और एक सेंसर मिल जाएगा। आइए नीचे देखते हैं। नीचे आपको एक माइक स्पीकर मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा और आपका सेकेंडरी माइक मिल जाएगा। आइए फोन को बूट करते हैं। फोन को बूट करते ही आपको दिखेगा ये स्टॉक एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ये MIUI पे वर्क करने वाला फोन नहीं है, ये Mi A1 की तरह आपका एंड्रॉइड 1 पे वर्क करता है। ये फोन बूट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम और डेट सब दिखाता है। उसके बाद आइए इसको अनलॉक करते हैं। आइए अब इसका थोड़ा फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक कर लेते हैं। मैं फिंगर लगाता हूँ, देखते हैं कितनी जल्दी फास्ट रिव्यू देता है। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट लग रहा है, वापस ट्राई करते हैं। लॉकिंग और ओपनिंग स्क्रीन टाइम नहीं लेती, 1 सेकेंड का भी, अनलॉक तुरंत हो जाता है फिंगर लगाते ही। ये इसके कुछ बेसिक फीचर आप देख सकते हैं। इसमें मेन्यू ऊपर की तरफ आता है। फ़ोन का कैमरा काफ़ी अच्छा है। पहले कुछ सेटिंग में जाके इसका हम लोग चेक कर लेते हैं किस पे रन कर रहा है। सेटिंग में जाके हम जाएंगे सिस्टम पे, सिस्टम पे जाके हम लोग जाएंगे, सॉरी मैं गलत आ गया, अबाउट फोन पे जाएंगे। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा फ़ोन Mi A2 दिखा रहा है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है M1804D2SI। ये एंड्रॉयड 8.1 पर वर्क कर रहा है। ये नवंबर का अपडेट है, नवंबर 5, 2018 का। आइए अब इसका कुछ कैमरा सेटअप चेक करते हैं। कैमरा हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये आपका रियर कैमरा, यहाँ पे मैं Mi 8 के डब्बे की फोटो खींचूंगा। ये मैंने फोटो क्लिक कर ली है। आइए फोटो को देखते हैं कि फोटो कैसी आती है। आप देख सकते हैं कि इसका क्लियरिटी कितना ज़्यादा है, आप कितना भी जूम करिए ये फटेगा नहीं।
क्लियरिटी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए MI 8 2 आप अच्छे से देख सकते हैं पूरा एंड्रॉयड 1 के साथ। ये इसके कुछ रिसेंट वर्क्स, उसके साथ आपको कुछ और फोटो सैंपल हम दिखाएंगे। अब मैं इस डब्बे की फ्रंट की फोटो लेके देखता हूँ कि ये वो कैमरा कैसे वर्क करता है। ये मैंने जूम किया, अब हम लोग लेंगे पोर्ट्रेट मोड पे। पोर्ट्रेट मोड पे आपको डेप्थ इफेक्ट मिलेगा अच्छे से अच्छा। ये मैंने डब्बे पे फोकस किया और ये मैंने फोटो क्लिक कर ली। आइए अब फोटोज को देखते हैं कैसे आती है। देख सकते हैं आपकी इसकी फोकस कितना अच्छा आता है, साथ में इसका ब्लर इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं साइड में सब चीज़ें ब्लर हो चुकी हैं। ये ऑब्जेक्ट और ह्यूमन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाता है। काफ़ी अच्छा इसका पोर्ट्रेट मोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा फोटो। तो बस इतना ही इसके बैक कैमरा के बारे में। और इसमें आपको कुछ और फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप मैनुअल मोड में जाएंगे तो नाइट में आपके लिए आपको यहाँ पे फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। मैनुअल मोड पे आप इसका ये सब सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेंस में देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ लेंस में आप इसको लो लाइट और रेगुलर लेंस पे शिफ्ट कर सकते हैं। लो लाइट लेंस आपका रात में फ्लैश के साथ ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी के साथ फोटो खींचता है और रेगुलर लेंस आपका हैज यूजुअल खींचता है। ये हमारा रियर कैमरा के बारे में। आइए अब कुछ फ्रंट कैमरा की बातें करते हैं। आइए अब इसका कुछ स्टोरेज का देख लेते हैं। हम लोग स्टोरेज में जाके देखेंगे कि आपको स्टोरेज में 64 GB में से कितनी स्टोरेज आपको अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पर आप आइए स्टोरेज पे, तो स्टोरेज पर आपको देखिए आपको मिलेगा 64 GB में से आपकी स्पेस आपको अवेलेबल मिलती है। यहाँ पे कितनी मिलती है ज़रा चेक करने दीजिए। स्टोरेज में से अभी मेरे पास 45% यूज़ हो चुकी है 64 GB में से। स्टोरेज सिस्टम अच्छा है इसका, आप अपने फाइल मैनेजर में जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास स्टोरेज कितना मिलता है। आपको स्टोरेज यहाँ पे 49.4 GB का मिलेगा, जिसमें से मेरा 14.5 GB यूज़ हो चुका है। अब आइए कुछ आपको गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। जो लोग गेमिंग के शौकीन हैं उन लोगों के लिए गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मेरे पास पबजी है। अब मैं यहाँ पे पबजी मोबाइल खेल के दिखाऊंगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे PUBG मोबाइल कितनी आसानी से यहाँ पे चल रही है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आपका बस नेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए, बाकी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक 2 महीने में कोई हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आई है। बैटरी आपका यूजुअली 1 दिन तक आइडेंटिकली चल जाएगी आराम से। बैटरी यूसेज के हिसाब से अगर आप गेम खेलने के लिए इस फ़ोन को ले रहे हैं तो आपको थोड़ा बैटरी का इशू आ सकता है। बाकी ये फ़ोन बैटरी से लेके आपके फ़ोन के कैमरे से लेके परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन बहुत अच्छा है। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो पबजी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है ओपन करके। तो यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा मैंने सेट किया है, अब देखते हैं पबजी खेल के। आपको पबजी खेल के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये पबजी खुल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कंट्रोलर और स्क्रीन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैं खेल रहा हूँ, आपको टच एकदम स्मूथ मिलेगा, आपको टच से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्राफिक हैंगिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, फोन के भी रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, आप एकदम इजीली इस पे गेम खेल सकते हैं। गेम खेलने के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको फिर किसी और वीडियो में। तब तक साइनिंग ऑफ, टेक केयर, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल द गगनदीप सिंह फॉर लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़।